एक तरफ तमाम दिग्गज तीसरे और आखिरी दौर के लिए जनता के सामने वोट के लिए झोली फैलाए खड़े थे, दूसरी तरफ बिहार की जनता दूसरे दौर के उम्मीदवारों की किस्मत पर अपनी मुहर लगा रही थी। दूसरे दौर में 19 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इसके लिए 1661 उम्मीदवार मैदान में और 41,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए थे। मतदान का वक्त सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक था। कोरोना संकट के बीच मास्क और सैनिटाइजर से लैस मतदाताओं की हलचल सुबह से ही शुरू हो गई थी। मतदान को लेकर लोगों में गजब का उत्साह दिखा। पटना के एक बूथ पर एक पोती अपनी दादी को साइकिल पर बिठाकर मतदान करने पहुंची। अच्छा सरकार बने जो सब के ले के चले, साथ मिल के चले, गरीब के भी देखे, शिक्षित करे। सबसे भारी तो बेरोजगारी है। यही सोचे हैं कि जो सरकार आता है कुछ अच्छा ही करेगा। हम लोग को बस तो जॉब का बहुत जरूरी है यहाँ पर। बहुत अच्छा, मतलब एक्साइटेड है कि वोट डालेंगे, पहली बार है मेरा। छपरा का एक मतदान केंद्र ऐसे तैयार किया गया जैसे मतदान नहीं शादी हो। बूथ के बाहर रंगोली की सजावट से मतदाताओं का स्वागत हुआ। तो हाजीपुर में मतदान की यादें संजोने के लिए बूथ के बाहर सेल्फी पॉइंट बनाया गया। मुजफ्फरपुर में वोट डालने पहुंचे लोग सोच में पड़ गए कि वोट डालना है या सफर करना है। दरअसल यहां पोलिंग बूथ को ट्रेन के कोच की शक्ल दी गई थी। आम जनता के साथ कई दिग्गजों ने भी आज वोट डाला। पटना में तेजस्वी यादव अपनी मां और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के साथ वोट डालने पहुंचे। वही डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी वोट डालने पहुंचे, लेकिन कतार को दरकिनार कर उनके सीधे पोलिंग बूथ पहुंच जाने पर लोगों ने विरोध जताया। दो चरण मिलाकर बिहार में 165 सीटों पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जनता कर चुकी है। अब तीसरे और आखिरी चरण में बाकी की 78 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। पटना से रोहित सिंह और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।